नमस्कार, तुम्ही लोकमत बघताय. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की देशामध्ये बिहारमध्ये खरं तर निवडणुका आहेत, पण सध्या मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा राजकीय वातावरण तितकंच तापलेलं आहे. काँग्रेसचे नेते असलेल्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर आता 28 जागांवरती मध्य प्रदेशमध्ये पोटनिवडणूक होतीये आणि आता याच पोटनिवडणुकीमध्ये एक वाद पेटलेला आहे. काँग्रेसचे नेते असलेल्या कमलनाथ यांनी भाजपच्या उमेदवार असलेल्या जलेबी देवी यांना आयटम म्हणून संबोधलं आणि त्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. कमलनाथ नेमका काय म्हणाले बघूया. ये तो आपने आज 3 दिन पहले अखबारों में पढ़ा, शिवराज सिंह जी आएंगे, कहेंगे मैं घुटने टेकता हूं, मैं लेट जाता हूं, बड़े अच्छे कलाकार है, ये तो सलमान खान और शाहरुख खान को नीचा दिखा दे. शिवराज जी बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे. सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे. ये उसके जैसे नहीं है, क्या उसका नाम, जो मैं क्या उसका नाम लूं, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था. ये क्या आइटम है. कमलनाथ यांच्या आता या विधानावरती मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी चांगलंच सुनावलेलं आहे. त्यांचा समाचार घेत असताना चौहान म्हणाले की अत्यंत खालच्या दर्जाचं विधान होतं, तर त्याला उत्तर सुद्धा कमलनाथ यांनी दिलेलं आहे, आम्ही असं विधान केलेलं नाही, त्यामुळे आम्हीच समाचार घेऊ, असं कमलनाथ म्हणाले. त्याआधी शिवराज सिंग चौहान नेमकं काय म्हणाले बघूया. उस बयान का बजा, उस भाषण का, उस टिप्पणी का बचाव किया जा रहा है. अरे हमें गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. शिवराज को नालाय कह दो, शिवराज को घुसना टेक कहो, शिवराज को कलाकार कहो, नारियल लेकर घूमने वाला कहो, नंगा भूखा कहो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता. लेकिन अगर किसी बहन के विरुद्ध ये टिप्पणी की जाती है तो एक बहन के खिलाफ नहीं, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है. एक बहन के सम्मान से नहीं चला गया. नवरात्रि में करोड़ों करोड़ माताओं बहनों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई. भैया मध्य प्रदेश की जो देश की जनता सहन नहीं कर, वैसे मैंने प्रायश्चित किया, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं और मुख्यमंत्री भी रहा हूं. मैं अंदर मुझे होकर सोच रहा था कि देवी मां इस कुछ मान पिता में कब सुधार हो रहा है. तो ये भी प्रार्थना कर रहा था कि मां इतनी सफल है ना, मां बहनों और बेटियों के सम्मान से हम उसी को दिल में ना लें और इस तरह की कुत्सित मानसिकता को बदल दें. कमलनाथ जी से कोई उम्मीद है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार कर दें, अहंकार. कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था. आज भी जिसका नाम नहीं याद है तो उसे कुछ कह दूं मैं. हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3-2 थे अजय सिंह जी. ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का भान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया. कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं, आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं. कमलनाथ कोको कोला पीते हैं. अरे यार मैं पीता हूँ कोको कोला,
अगर कोको कोला बंद पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी या फिर नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज। तर आता बिहार इतकंच निवडणुकीमधलं वातावरण मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा तापलेलं आहे। सत्तेच्या खेळामध्ये भले भाजप पुढे असली तरी काँग्रेस सुद्धा आता तब्बल 28 उमेदवारांसाठी पुढे झाली आहे, आतुर झाली आहे की हे 28 जागा आपल्याला मिळाव्यात आणि त्याचसाठी आता वेगवेगळे आरोप प्रत्यारोप व्हायला सुरुवात झाली आहे। बिहार आणि मध्य प्रदेशच्या निवडणुकांचे प्रत्येक अपडेट आम्ही तुम्हाला देत राहू, त्यासाठी लोकमतला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा, आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा आणि नवीन काही ऐकायचं असेल, काही जाणून घ्यायचं असेल, तुमची काही मतं असतील तर आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवायलाही विसरू नका।